नमस्कार सभी लोगों को, जय हिंद। मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने मेरा पहला नोटिफिकेशन देख ही लिया होगा, जिसमें मैंने कहा था कि आज शाम को शुक्रवार के दिन हम लोग फिर से 5 बजे मिलेंगे। अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ मिल रही हो तो आप मुझे कंफर्म कर दें कि हाँ आवाज़ मिल रही है, ताकि उस हिसाब से हम लोग आगे स्टार्ट करें। जैसा कि आप लोगों को आइडिया होगा, जो उसमें हाँ कुछ लाइक्स वगैरह तो मिलने लगे, ये थम्स अप तो मिलने लगे हैं, लेकिन आवाज़ आ रही है आप लोगों को मुझे ये बता दीजिए। सलमान, आप वीडियो पे ज्वाइन करना चाहते हैं, इनको हम वीडियो पे ज्वाइन कर सकते हैं? मुश्किल होगा ना, अभी तो मुश्किल होगा। सलमान, चंदन विश्वकर्मा, बिट्टू यादव, अभिषेक सिंह, जय हिंद, सूरजभान चौधरी, राम राम, शेख मन्नू अहमद, आप लोग काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, ललित सैन, रनीश गुप्ता, आपके बाकी लोग भी जो सेम इंटरेस्ट रखते हो या वास्तव में यूपीएससी की तैयारी या किसी और चीज़ की तैयारी के लिए प्रेरित हो, उनको बोल दीजिए तो वो लोग भी जुड़ जाएंगे। संदीप सिंह, रोहित यादव, सलेमान रॉक, मैं ठीक हूँ, पिंटू जादौन, जय हिंद, अनुज तिवारी, सुधीर मलिक, चैनपाल प्रधान, जय हिंद, राकेश भारद्वाज, राम राम, सुरेश यादव, जय हिंद सर, और अमित तिवारी, सलेमान। सलेमान क्या नाम है यार, मैं समझ नहीं पाया, इसका नाम सलमान है या सलेमान, मैं सेलमैन समझ नहीं पा रहा हूँ मैं, क्या है तुम्हारा नाम, जो भी है चलो। एडवोकेट धीरज दास, पंकज कुमार, राजेंद्र कुमार, शिवम भटनागर, नीरज गौतम, राकेश भारद्वाज, आशुतोष मिश्रा, कुशीनगर से हैं आशुतोष, वेरी गुड। मैं 2016 में रहा हूँ, 2015 में रहा हूँ वहाँ पे, बड़ी अच्छी जगह है। अभिषेक सिंह, सर वॉइस क्लियर है, ठीक है, गुड यार, कम से कम एक रिस्पॉन्स आया। रितेश शर्मा, आलोक एम पांडे, सुमित शर्मा, गुड्डू बाबू, लक्ष्मी नारायण झा, रोहित कुमार, शान अंसारी, हबीब उपसू, मेयर गर्ग, मयूर गर्ग, गुरुजी नमस्ते, गुरुजी मान लिया, चलो वेरी गुड। बज्जू ठाकुर, जय हिंद, सुहेल खान, विवेक भार्गव, विपिन पाल, अजय पाल पटेल कुर्मी, सोनू डोंडियाल, अभिजीत घोष, सभी को जय हिंद। विपिन कुमार सक्सेना, काफ़ी लोग जुड़ गए हैं। अहमद अब्बास खान, हाय, वेरी गुड। ब्रिज बैंसला, जय हिंद सर, आवाज़ आ रही है ना सभी को, मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिए। आकाश ठाकुर गुन्नौर, मयूर गर्ग, बैज ठाकुर, जय हो। अनुपम तिवारी, जय हिंद सर, बिल्कुल। मनोहर खान, जय हिंद। आगे यश कुमार पांडे जुड़ गए हैं, कैसे कैसे हो भाई, मुझे पहले से जानते हो क्या यश, कैसे हो, मतलब कहाँ, पश्चिम से हो क्या, पश्चिम में ऐसे लिखते हैं, कैसे हो। वैभव शर्मा, प्रदीप कुमार शेमरॉक, आदित्य कुमार, ब्रजेश ठाकरे, फरमान अलवी, वनी फैजल, अस्सलाम वालेकुम, प्रणब घोष यादव, मनीष शर्मा, विजय पाल, एम लुकमान मलिक, सूर्य सुरज्ञान गुर्जर, अवधेश मणि त्रिपाठी, राजेश राज शर्मा, एडवोकेट शेख अंसारी, कौशलेंद्र कुमार, राम कल्याण मीना, वाई एस खुराना, रोहित कुमार यादव, द किंग मैन, द किंग खान, किंग खान तो शाहरुख खान है, आपका क्या नाम है। बंगाली में कोई नाम आता है, मैं इसको क्लियर नहीं कर पाता, इंग्लिश में भी अगर लिखोगे आप तो मुझे क्लियर रहेगा कि कौन मुझसे जोड़ रहा है। इंद्रजीत श्रीवास्तव, संजीव गुप्ता, श्रवण सनवोलडा, शिवराम सक्सेना, सोनू डोंडियाल, अनीता छेत्री, गुड आफ्टरनून सर, मैं झारखंड से हूँ, वेरी गुड, झारखंड बहुत अच्छी जगह है, माइंस के मामले में और मिनरल्स के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट है। कमता प्रसाद तिवारी, देवराज शर्मा, राज पत्रकार, पंकज कुमार, स्मार्टी हिम, हिम का मतलब क्या, हिमांशु है, आकाश ठाकुर गुन्नौर, दिलीप बाबू, बाबिर हुसैन, धीरेन्द्र दुबे पंडित, विवेक शर्मा स्पीड कोचिंग से हैं, मनीष राज, अकरम रजा, वीरेंद्र कुशवाहा, आई वॉन्ट टू बिकम एन डी एस पी नहीं होगा, अ डी एस पी होगा, वॉवेल के आगे लगता है एन, इरशाद अंसारी, कौशलेन कुमार, रफे खान, रऊफ, जुनैद राणा, संदीप सैंडी, हम तो आपसे मिले भी हैं सर, 24th Battalion PAC, वेरी गुड दीप सैंडी, और आशुतोष मिश्रा, मान विंध्यवसनी आपको DIG बनाए, रमाकांत तिवारी, आशीष विश्वास, राजकुमार रमन, अभिषेक शर्मा, सम्राट मलाकर, बच्चू जाट, एडवोकेट अरुण शुक्ला, इंजीनियर कुलदीप सिंह बब्बन, अरमन बंसल, सरमत खान, अमीन खान, अब्दुल रऊफ, अमरेश आया, से बहुत लोग जुड़ गए, अरविंद कुमार, अंकित पाठक जी, मैं कासगंज से, हर्षित वर्मा, मैं मुरादाबाद से हूँ, वेरी गुड, जल्दी किसी दिन मुलाकात होगी। सत्वेन उपाध्याय, बाबिर हुसैन, राज पत्रकार, नितिन थपलियाल,
अब मैं आगे कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों का आज का सेशन स्टार्ट करता हूं और कोशिश करूंगा कि कुछ सेशंस जो हम लोगों के क्वेश्चंस जो थे वो हम लोगों के हम उसको अटेंड करें जो आप लोगों ने पिछली बार पूछे थे और हम उसको देने से चूक गए थे, तो उसमें समय की वजह से अब जो समय हमारे पास अभी बचा है उस पर हम लोग आगे बात करते हैं। पहला तो हिमश्री ने पूछा है कि यूपीएससी पास करने के लिए कोचिंग करना जरूरी है क्या? तो मैं आपको बताऊं कि यूपीएससी हो, चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपको पास करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई कोचिंग की जरूरत उस तरह से नहीं है। अगर आपकी पढ़ाई और आपकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही है तब, लेकिन और साथ में आपको गाइड करने वाला भी कोई ठीक है। कोचिंग करने के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। नुकसान क्या है पहले मैं बता देता हूँ। नुकसान ये है कि आप केवल उतने में लिमिट होकर के रह जाते हो। दूसरी बात ये होती है कोचिंग करने के लिए कई बार आपको दिल्ली जैसी जगह पर या लखनऊ या प्रयागराज या वाराणसी या पटना जैसी कोचिंगों पर जाकर के वहां पर आपको अटेंड करना पड़ेगा। उसमें काफी पैसा आपका लगता है वहां रुकने में। कोचिंग इंस्टीट्यूट भी काफी पैसा लेते हैं, उसमें आपके काफी पैसे खर्च होते हैं। तीसरा नुकसान ये होता है कि आप कोचिंग की बताई गई बातों से ही बंध कर रह जाते हैं। जो वो बताते हैं उसी को आप उच्चतम मानते हैं, मानक मानते हैं और उसी के हिसाब से तैयारी करते हैं, जो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किलें भी खड़ा कर सकता है, फिर आप उससे आगे नहीं निकल पाते हैं। हाँ, अगर आपकी कोचिंग बहुत अच्छी है तो हो सकता है कि वो मानक जो उन्होंने सेट किए हों आपके लिए बड़े काम के हों। अगली चीज ये होती है जो फायदे हैं उसके कोचिंग करने के। फायदे ये हैं कि यदि आप, सबसे बड़ा फायदा ये है कि यदि आपको गाइड करने वाला, आपको गाइड करने वाला, आपको कोई समझाने वाला, आपको नोट्स देने वाला, आपको बुक सजेस्ट करने वाला कोई अवेलेबल नहीं है, तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप कोचिंग ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां पर वो लोग होते हैं जो यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जर्नी को लगातार या तो ट्रेवल कर चुके होते हैं, तय कर चुके होते हैं, या फिर अभी भी तय कर रहे होते हैं, और वो आपको वास्तव में बता देते हैं कि क्या तरीका है जिसकी वजह से वो फेल हुए, क्या तरीके हैं जिनकी वजह से आप सफल हो सकते हैं। उनकी जितनी भी 5-10 साल की मेहनत होती है, चाहे वो सफल लोग हों चाहे असफल लोग हों, कोचिंग में जो भी आपको गाइड करते हैं, कई बार उनमें से कई सिलेक्टेड लोग भी होते हैं कि ऐसी रैंक पे सिलेक्ट हुए जहां पर उनका मन नहीं लगा तो उन्होंने छोड़ दिया। आपको पता होगा कि अनअकैडमी कोचिंग जो है वो एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा चलाई जा रही है जो आईएएस में उसकी शायद अंडर 20 रैंक थी, ऑल इंडिया रैंक 20 से नीचे थी, और उसके बाद उसने उसको जॉब को छोड़ दिया और उसके बाद फिर वो लगातार उसमें प्रयास करता रहा कि उसने अनअकैडमी जैसी कोचिंग खोली, ऑनलाइन कोचिंग खोली, और उसके बाद आज वो बहुत सक्सेसफुल है। तो अगर ऐसे सफल लोग उस कोचिंग में हैं या सफलता के बहुत सारे लोग पहले से सिलेक्टेड उसमें रहे हैं तो वो कोचिंग निश्चित रूप से आपको अच्छा गाइड करेगी। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है वहां पर तो फिर आपको नुकसान भी हो सकता है। तो इस चीज को देख लीजिए। जहां तक मेरी बात है कि मैंने कोचिंग की कि नहीं की, तो मैंने की, उस कोचिंग की थी। मैंने सब्जेक्ट के लिए भी कोचिंग की थी, जीएस के लिए भी कोचिंग की थी। कारण वही है जो मैंने अभी आपको बताया। मेरे घर परिवार में कोई ऐसा गाइड करने वाला नहीं था जो मुझे आईएएस की प्रिपरेशन के बारे में बता सके कि वास्तव में किस तरह से तैयारी करनी है। तो मुझे जरूरी था कि मैं इसको कोचिंग करूं, तो मैंने उसको कोचिंग की। मैंने हिस्ट्री की कोचिंग की, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कोचिंग की, जीएस की कोचिंग की, तीनों की। अगला क्वेश्चन है श्यामू भाई का। ये पूछ रहे हैं कि सर प्रीलिम्स के लिए सब्जेक्ट को कैसे तैयार करें, कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, प्रीलिम्स के लिए सब्जेक्ट जैसे आपने चूज कर लिया, मान लो मैं सब्जेक्ट चूज करके चलता हूँ हिस्ट्री या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपने ले लिया, तो सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करें। एनसीईआरटी पढ़ने से फायदा क्या होता है? एनसीईआरटी का फायदा यह होता है कि वो इतनी सिंपल लैंग्वेज में लिखी होती है कि एक बच्चा भी उसे पढ़ करके अच्छे से समझ सकता है। आप 11-12 की एनसीईआरटी उठाइए और देखिए कितनी सिंपल लैंग्वेज में वो लिखी गई है। और खासकर आप ग्रेजुएशन कर चुके होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके होते हैं, उसके बाद आप एनसीईआरटी की बुक उठाते हैं क्लास 11-12 की, तो वो आपको ईजी भी लगती है पढ़ने में। तो पहले आप एनसीईआरटी को पढ़ना चालू करें। आप सिलेबस उससे पहले देख लें, सिलेबस जरूर देख लें कि वो सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हैं उसका सिलेबस क्या है। यूपीएससी में या पीसीएस में आपका सिलेबस क्या है उसको आप जरूर पढ़ लें, और उसके बाद फिर जब सिलेबस पढ़ लें तो उसके बाद एनसीईआरटी से उसकी तैयारी करें। एनसीईआरटी को कम से कम 2-3 बार शुरुआत में पढ़ लें, और अंतिम रूप से तैयारी के समय तक कम से कम एनसीईआरटी आपकी 10 बार नहीं तो 5-6 बार तो पढ़ी होनी चाहिए, लेकिन शुरुआत के लिए 2-3 बार एनसीईआरटी पढ़ करके फिर आगे बढ़ सकते हैं। जब आपने एनसीईआरटी पढ़ ली तो कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं आपके सब्जेक्ट के लिए जो आपको पढ़नी पड़ती हैं। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री में है
तो एंशियंट में आपको जायंट रिमाली होती है या केसी श्रीवास्तव की बहुत मोटी किताब है, लेकिन इंटरेस्टिंग लिखी, काफी सिंपल लैंग्वेज में लिखी है। मिडिवेल में आपके पास सतीश चंद्रा की है और वो किताबें बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा मॉडर्न में आप देखेंगे तो बीएल ग्रोवर और विपिन चंद्रा की किताबें बहुत अच्छी लिखी गई हैं, तो वो अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका काफी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब आप टेक्स्ट मटेरियल पढ़ लेते हैं तो उसके बाद कोचिंग के भी कुछ स्टडी मटेरियल्स होते हैं, जो कोचिंग के स्टडी मटेरियल आप लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। वो कोचिंग स्टडी मटेरियल का फायदा ये होता है कि वो कम से कम 5 से 10 किताबों का जो क्रक्स होता है वो तैयार करके आपको अपने नोट्स में देते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको वो 10 किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो एक कोचिंग में आपको नोट्स में मिल जाते हैं, बशर्ते वो कोचिंग अच्छी हो, उसने कायदे से मेहनत करके नोट्स तैयार किए हों, इस चीज को ध्यान रख लीजिएगा। तीसरी चीज ये है कि आप उसके बाद 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर जो पिछले आ चुके हों उनको जरूर सॉल्व कर लीजिए। जब आप 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि वास्तव में किस तरह के सवाल आपके सब्जेक्ट में आते हैं, और सवाल जो आपको है कम से कम 2 बार 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आपको कम से कम 2 बार लगाने हैं, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं और उनके आंसर्स जो होते हैं वो किस प्रकार से आपको तैयार करने हैं, और जो विकल्प आपको दिए जाते हैं, ऑप्शंस भी दिए जाते हैं विकल्प, उसमें भी कई बार आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है, ताकि आप देखा जाए कि आप तनाव की परिस्थितियों में किस प्रकार से सही डिसीजन ले सकते हैं। वास्तव में यूपीएससी हो या पीसीएस का एग्जाम हो, आपको इसी परिपाटी पे, इसी स्टैंडर्ड पे बार बार टेस्ट किया जाता है कि वास्तव में अगर तनाव की स्थिति होती है तो आप अच्छी तैयारी कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, आपका डिसीजन उससे प्रभावित होता है या नहीं होता है, इस चीज को आपको देखना जरूरी है। जब इतना आप कर लें, ये चारों पांच चीजें कर लें, तब आप टेस्ट सीरीज के लिए जरूर जाइए, मॉक टेस्ट सीरीज के लिए। मॉक टेस्ट सीरीज में जाने का फायदा ये होता है कि आप एक ही सब्जेक्ट को, एक ही टॉपिक को अपने फाइनल एग्जाम से पहले, जो आपका स्टेट का एग्जाम है या यूपीएससी का एग्जाम है, वहां में जाने से पहले आप कम से कम 4-5 बार उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को पढ़ चुके होंगे, और जब 4-5 बार आप किसी टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो वास्तव में आपको उसमें बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाता है, और कॉन्फिडेंस ही सबसे बड़ी सफलता की सीढ़ी है किसी भी चीज के लिए, चाहे आप यूपीएससी तैयार करें, चाहे स्टेट पीसीएस तैयार करें, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, कोई भी एग्जाम तैयारी करें, इवन इन प्राइवेट फील्ड, अगर आप बिजनेस करना चाहें या आप प्राइवेट जॉब करना चाहें, वहां पर भी जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब तक आप उसमें सफलता अर्जित नहीं कर सकते। अगला है दीपक यादव का सवाल, सर करंट अफेयर्स के सभी विषयों से जोड़कर कैसे पढ़ें, कृपया मार्गदर्शन करें। देखो बहुत अच्छा सवाल पूछा है ये, वास्तव में इसका मतलब दीपक, और ये जो पिछला सवाल, पिछले 2 सवाल हैं बड़े इंपॉर्टेंट अच्छे सवाल हैं, इसका मतलब आप लोग सीरियस कैंडिडेट्स हैं। दीपक आपका सवाल ये है कि करंट अफेयर्स के सभी को सभी विषयों से जोड़कर कैसे पढ़ें। अब जैसे मान लीजिए, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए यूक्रेन पे और रशिया के बीच में लड़ाई चल रही है, तो आपको जब हिस्ट्री पढ़ना है तो आपको ये देखना है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में वास्तव में रिलेशन क्या रहे, क्या वास्तव में यूक्रेन कभी यूएसएसआर का पार्ट था, जो 1990 में पूरा यूएसएसआर विघटित हो गया और उसके बाद सोवियत संघ एक अलग नेशन बना और उसके बाद अलग नेशन, कुछ और अलग नेशन बन गए, तो उसी समय से यूक्रेन और रशिया की क्या समस्या चल रही थी। तो एक तरफ तो आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, उसी तरफ दूसरी तरफ आपको उसकी वर्ल्ड हिस्ट्री में, इसमें आपको जाना पड़ेगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री में पहले वास्तव में क्या स्थिति थी जिसकी वजह से यूक्रेन और रशिया आज अलग अलग नेशन है, और क्यों रशिया ने अल्टीमेटली यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, क्या वो नाटो में सम्मिलित होना चाहता है और यूके को ये खतरा, सोवियत संघ को, रूस को ये खतरा लगता है कि यूक्रेन अगर नाटो में शामिल हो जाएगा तो उसके बॉर्डर पे नाटो की सेनाएं पहुंच जाएंगी और वो उस पर कभी भी अटैक कर सकता है, उसके ऊपर दबाव बना सकता है, एक ये हो गया। दूसरा ये हो सकता है कि वास्तव में क्या इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, तो यहाँ तो ये हिस्ट्री से रिलेट हुआ, लेकिन क्या इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, यूक्रेन में ऐसे क्या रिसोर्सेज हैं, तेल है, गैस है, या उसकी स्ट्रेटेजिक इक्वेशन है जिसकी वजह से वहां पर रशिया अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आप वास्तव में देखेंगे कि यूक्रेन के पास वास्तव में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो यूएस, सोवियत संघ की, रूस की इकोनॉमी को बहुत फायदा पहुंचा सकते हैं, इसीलिए इन रिसोर्सेज की लड़ाई चल रही है। अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमी को देखें, वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को देखें, चाहे आप चाइना का प्रेजेंस पूरे वर्ल्ड में देखें, चाहे आप
यू अमेरिका का प्रेजेंस पूरे वर्ल्ड में देखें कि कहां कहां पर सारे लोगों ने अपनी सेनाएं तैनात कर रखी हैं या अपनी दोस्ती कर रखी है, मित्रता कर रखी है, तो वो इसी आधार पर बेस्ड है कि वास्तव में कहां पर कौन से रिसोर्सेस मौजूद हैं। कोई भी वॉर हो रही है तो वो भी रिसोर्सेस की लड़ाई ही है। आज अगर चाइना जो है वो श्रीलंका में जाकर के वहां के बंदरगाह पे अपना एक शिप खड़ा करना चाहता है जो वास्तव में रिसर्च उपग्रह के माध्यम से, रिसर्च सैटेलाइट रिसर्च के माध्यम से भारत के जो है, भारत के जो बंदरगाह हैं उन पे निगरानी कर सकता है, तो इसमें वास्तव में इंडिया को ऑब्जेक्शन होता है और ये आपका वर्ल्ड पॉलिटिक्स से जुड़ेगा, पॉलिटी से जुड़ेगा, स्ट्रेटेजी के आधार पर इसमें क्वेश्चन बनेगा। तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। इसी तरीके से अगर वास्तव में प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला गैस योजना चलाई है या किसानों के लिए कोई योजना चलाई है कि साल में उनको हम 6000 रुपए डायरेक्ट उनके अकाउंट में पहुंचाएंगे या सब्सिडी की अकाउंट उनके पास पहुंचाएंगे, तो सब्सिडी का पैसा उनके पास डायरेक्ट पहुंचाएंगे उनके अकाउंट में, तो ये कुछ सोशियोलॉजिकल इश्यूज हैं या इकोनॉमिकल इश्यूज हैं जो करंट अफेयर्स से रिलेट होते हैं। तो इस तरह से आप पढ़ाई करेंगे तो आपका करंट अफेयर्स बहुत आसानी से रिलेट होगा। अगला क्वेश्चन है अमित सैनी का, सर मैंने यूपीएससी 2022 में प्रीलिम्स निकाल लिया है, मेंस के लिए कैसे मार्गदर्शन करें। वेरी गुड, पहली बात तो अमित सैनी आपको बहुत बहुत बधाइयां, क्योंकि यूपीएससी का प्रीलिम्स निकालना आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। तो आपने पहले स्टेज पार कर ली है। आपको मैं ये भी बता दूं कि इस बार जो हिंदी मीडियम का टॉपर है रवि कुमार सिहाग, अगर उसका इंटरव्यू आप देखेंगे तो वो स्वयं बताते हैं कि पहले अटेम्प्ट में उनका सिलेक्शन हो गया, इंडियन डिफेंस अकाउंट में हो गया, नहीं उनका दूसरे अकाउंट में, दूसरी सर्विस में सिलेक्शन हुआ था, दूसरे अटेम्प्ट में उनका इंडियन डिफेंस अकाउंट में सिलेक्शन हुआ था, तीसरा अटेम्प्ट में उनका पीटी भी नहीं हुआ और चौथे अटेम्प्ट में फाइनली वो आईएएस बन गए। तो जो व्यक्ति अभी इस अटेम्प्ट में आईएएस बन रहा है उसका पिछले अटेम्प्ट में पीटी भी नहीं हो रहा है, प्रीलिम्स भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आप वास्तव में एक सही रास्ते पर हैं और आपने वास्तव में बहुत मेहनत की है तभी आप प्रीलिम्स निकल पाए। अब मेंस की बात जैसे आती है तो मैं आपको बता दूं आपके अंदर पर्याप्त गंभीरता है तभी आपने प्रीलिम्स निकाला है। अब बस आप एक काम करें, सिलेबस को एक बार ठीक से पढ़ लें कि सिलेबस में क्या क्या है, मेंस के सिलेबस में आप स्टडी मटेरियल ले लें, अपना कलेक्ट कर लें, वो आपके पास पहले से मौजूद होगा, उसको कम से कम कोशिश करें कि 4 से 5 बार तैयारी कर लें। दूसरा क्या कहते हैं वो, आप आगे ये देख लें कि 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स, और फाइनली मॉक टेस्ट जरूर दें आप। मॉक टेस्ट अगर आप देने जाएंगे तो ये पहले की 3 स्टेजेस जो आप खुद ही कंप्लीट कर लेंगे, जो मैंने अभी आपको बताई है कि सिलेबस पढ़ना हो, चाहे वो आपका क्या कहते हैं स्टडी मटेरियल को पढ़ना हो, चाहे वो 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हो, वो भी आप तैयार कर लेंगे। मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। मॉक टेस्ट देने का फायदा मैंने अभी बताया कि फाइनल एग्जाम में जब आप मेंस का देंगे उसके जाने से पहले कम से कम 5 बार आप उस क्वेश्चन को, उस स्टडी मटेरियल को पढ़ चुके होंगे जो आपको वास्तव में सफलता के लिए मार्गदर्शन देगा, बहुत आसानी से हेल्प करेगा। अगला क्वेश्चन योगेश कुमार का है, सर करंट जीके के लिए कौन सी किताब पढ़ें। करंट जीके के लिए 3 चीजें आप करिए। पहली चीज ये है कि एक न्यूज़पेपर ले लीजिए, कोई भी हिंदी या इंग्लिश जिसका भी आपको पसंद आता हो पढ़ लीजिए। कोई आपसे कहता है नहीं इंग्लिश का न्यूज़पेपर हिंदू ही पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं होता है। मैंने हिंदू का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था तभी मेरा सिलेक्शन हुआ, आपके सामने आईपीएस बनकर के बैठा हूं, मैंने नहीं पढ़ा था। कारण क्या है, ऐसा नहीं है कि मतलब ना हिंदू दिन द हिंदू पढ़ने का मैंने कोई वो सोच रखा था नहीं पढ़ूंगा। मैंने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि मैं हिंदी का न्यूज़पेपर एक पढ़ रहा था और जो कुछ भी आपके द हिंदू में देते हैं वो सारी चीजें अगले 3-4 दिन में उसको कुल मिलाकर के 90% 95% चीजें कुल मिलाकर के अगले 4-5 दिनों में आपके हिंदी के न्यूज़पेपर में भी समराइज कर दी जाती हैं, तो आपका टॉपिक छूटता नहीं है। दूसरी चीज आप मंथली मैगजीन जरूर पढ़िए। मंथली मैगजीन पढ़ने से जो मैं करता था कि मंथली मैगजीन में जरूर पढ़ता था, मंथली मैगजीन पढ़ने से आपका पूरे मंथ का करंट अफेयर्स आपका वो आप महीने के अंत तक तैयार कर लेते थे उस मैगजीन के माध्यम से। तीसरा आपको ईयरली मैगजीन पढ़नी है। मैं यही करता था क्योंकि मैं एक कंपाइल करके 250-250 पेज की एक ईयरली मैगजीन आ जाती थी उसी पब्लिकेशन की। मान लो मैं क्रॉनिकल पढ़ा रहा हूं तो क्रॉनिकल की ही मैं ले लेता था ईयरली मैगजीन, और ईयरली मैगजीन लेकर के एग्जाम से जस्ट पहले, मान लो पीसीएस का एग्जाम हो रहा था एग्जाम से जस्ट पहले मैं ईयरली मैगजीन ले लेता था। वो लोग देते हैं क्योंकि उनको पता है लड़कों को जरूरत होती है, इसके स्टूडेंट्स को जरूरत होती है, लड़कों और लड़कियों दोनों को जरूरत होती है, और इसके साथ में क्या कहते हैं वो
अगर वो यूपीएससी का एग्जाम होता है तो भी स्थिति यही होती है कि वो एक ईयरली मैगजीन आती है, आप उसको पढ़ लीजिए, उसको रिवाइज कर लीजिए, 250-300 पेज में आपको मिल जाती है, उसमें लगभग सारे टॉपिक्स कवर होते हैं, बहुत अच्छे से कवर किए जाते हैं, बशर्ते आप उसको बहुत ध्यान से पढ़ें और मॉक टेस्ट में जब जाएं तो उसकी पूरी तैयारी करके जाएं, अच्छे से तैयारी करें। ओके, अगला क्वेश्चन अमर मंडल का है, सर जी बंगाली भाषा में एग्जाम दे सकता हूं? बिल्कुल दे सकते हैं, आप बंगाली, आप ये देख लीजिए कि आपके उसमें यूपीएससी में कवर्ड है ये टॉपिक, कवर्ड है ये लैंग्वेज, वो सब्जेक्ट के रूप में कवर्ड है कि नहीं, मेरे ख्याल से हिंदी है, उर्दू है, तो बंगाली लिटरेचर भी होगा ही होगा, क्योंकि बंगाली लिटरेचर बहुत समृद्ध लिटरेचर है, बहुत ही रिच लिटरेचर है, तो वो भी निश्चित रूप से होगा। दूसरी बात, अगर आप बंगाली भाषा में लिखने की बात कर रहे हैं तो वो भी पॉसिबल है, हर कोई लिख सकता है अपनी वर्नैकुलर लैंग्वेज में, अपनी देशी भाषा में, अपनी लोकल लैंग्वेज में वो लिख सकता है। अगला क्वेश्चन है अभिषेक मिश्रा, सर मैं एसडीएम बरेली, आपका आप बहुत अच्छा गाइड करते हैं, धन्यवाद सर, अपने यूपीएससी के लिए ट्राई कर रहा हूँ, इस बार दे नहीं पाया सर, मेरा भी लोक प्रशासन है सर, लेखन का प्रयास ज्यादा नहीं कर पा रहा, ड्यूटी भी रहती है, आपका कुछ निवारण करें सर, ये तो बहुत बड़ी बात है, एसडीएम साहब स्वयं सवाल पूछ रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग स्वयं देखिए कि एसडीएम साहब को भी ये बातें अच्छी लग रही हैं, इसका मतलब एक सफल व्यक्ति को अच्छी लग रही हैं, तो इसका मतलब इन बातों की ऑथेंटिसिटी कितनी ज्यादा है। अभिषेक आपको बहुत बहुत बधाई और ये आगे के लिए शुभकामनाएं भी कि आप ड्यूटी के साथ तैयारी कर रहे हैं। आप पर्सनल नंबर हमारे उससे ले लीजिए, उस पर आइए, व्हाट्सएप पे बात कीजिए, हमारा जो नंबर यहाँ पे लिंक मैंने शेयर कर दिया है व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का, अभी नीचे आ जाएगा तो उस पे आ जाएगा, तो उसमें आप व्हाट्सएप नंबर पे जुड़िए, हम पर्सनल नंबर के, आप मेरा सरकारी नंबर भी है तो उससे भी जुड़ सकते हैं, पर्सनल नंबर पे जुड़ लीजिए, हम लोग अलग से बात कर लेंगे। और वेरी मच कंग्रेचुलेशन, वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन टू यू अगेन। अगला सवाल फिर अमित सैनी पूछ रहे हैं कि सर मैंने बिना कोचिंग के यूपीएससी का प्री निकाल दिया है, सर हिस्ट्री की बुक्स बता दीजिए। अभी मैंने क्लियर तो की है आपको अमित, मैंने अभी हिस्ट्री की बुक्स क्लियर की हैं इसके लिए, मेंस के लिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मेंस के लिए होती है ना, बुक्स तो होती ही हैं, वो सब कुछ आप कर लोगे, सब तैयारी कर लोगे, इम्पोर्टेंट चीज है मॉक टेस्ट सीरीज, उसको जरूर ज्वाइन कीजिए, चाहे ऑनलाइन कर लीजिए चाहे ऑफलाइन कर लीजिए, अगर आप दिल्ली पटना लखनऊ जैसे प्रयागराज जैसे बड़े सेंटर पर बैठे हैं तो ऑफलाइन जरूर ज्वाइन कीजिए, ऑफलाइन जाने का अलग ही फायदा होता है, वो उसको जरूर ज्वाइन कीजिए, अगर आप वहां पर बड़े सेंटर्स में नहीं मौजूद हैं तो ऑनलाइन ज्वाइन कीजिए, लेकिन ज्वाइन जरूर कीजिए, उसका बहुत फायदा मिलता है, वास्तव में जब आप 5-10 टेस्ट दे लेंगे तब आप मेरी बात को याद करेंगे कि वास्तव में कितना फायदा हुआ है। ठीक है, अब अगले हम 4-5 कमेंट्स और ले लेते हैं, पवन जी महाराज, सुशील कुमार, सत्यम कुमार, इरफान अली खान, पबजी लवर, प्रदीप, बेबी बाबू, विक्की, आरिफ अली, चंद्रशेखर दुबे, एनएल सिंह, कौशलेंद्र कुमार, सर कौन सी कोचिंग बेस्ट होगी? देखो हिंदी मीडियम से हो आप इंग्लिश मीडियम से, पहले तो ये बताओ कौशलेंद्र, तब मैं आपको बताता हूँ। लेखराज गुज्जर, अतुल शर्मा, लेखराज गुज्जर के नीचे मैंने नीचे अपना लिंक शेयर कर दिया, आप सभी लोग इसको देख लें। गौतम कुमार, इसमें मैंने टूटा हुआ दिल, ये टूटा हुआ दिल के नाम से क्यों डालते हो यार, अपना असली नाम डालो ना। विजयकांत चौबे, धानु दीवाना, शिवचरण पटेल, अरुण कुमार, लेखराज गुर्जर, एमडी हसन, योगेश जैन, सुखविंदर कश्यप, अर्जुन साहू, जय हिंद, सभी को जय हिंद। और एलोन देवा, आई एम ऑन फ्रॉम वेस्ट बंगाल, बहुत बड़ी बात है आप वेस्ट बंगाल से बात कर रहे हैं। धनवंतरी चौबे, सौरव यादव जौनपुर, सर यूपीएससी की तैयारी के लिए जॉब के साथ कितने समय? 6-8 घंटे स्टडी कर लो, इससे ज्यादा कर भी नहीं पाओगे, लेकिन 6-8 घंटे अच्छी स्टडी होनी चाहिए। अमित कुमार, हिस्ट्री का बुक कौन सा है राइटर का बेस्ट? मैंने अभी बताया, एंशियंट के लिए अलग है, मेडिवियल के लिए अलग है, मॉडर्न के लिए अलग एग्जाम्स हैं, बुक्स हैं, उनको जरूर तैयारी कर लीजिए। सौरव यादव जौनपुर, कितने समय स्टडी जरूरी है यूपीएससी के लिए? देखो अगर आप वर्किंग नहीं हो तो जितना समय दे सकते हो खाने और सोने के अलावा सब दे दो, 20 घंटे दे सकते हो, 18 घंटे दे सकते हो, 16 घंटे दे सकते हो, 14 घंटे दे सकते हो, जरूर दे दो। ठीक है, अगर आप वर्किंग हो तो कम से कम 8 घंटे तो निकालो, 6-8 घंटे। पीयूष कुशवाहा, आशीष यादव, पंकज राणा, मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, पढ़ाई में अभी समझ में नहीं आ रहा, पढ़ता जा रहा हूँ। ठीक है, आप पढ़ते जाइए धीरे धीरे, देखो यूपीएससी की तैयारी आसान नहीं होती और टाइम भी मांगती है, तो आप कृपा करके पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई करते करते धीरे धीरे आपको चीजें क्लियर होने लगेंगी और तब आपको पता चलेगा, कुछ समय बाद दूसरे लोगों से बात करते समय जिन्होंने पढ़ाई नहीं की होगी उससे आपको पता चलेगा कि आप वास्तव में काफी आगे निकल गए। आदित्य पाठक,
राइटिंग पूरा सिलेबस करने के बाद करना चाहिए। देखो जो पूरा सिलेबस करने के बाद नहीं है, आपने एक टॉपिक पढ़ा, आप तुरंत उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, देख लीजिए कौन से क्वेश्चन उस टॉपिक से आए हैं, उसके क्वेश्चन उसी समय लिख लीजिए, बाद में जब वो टॉपिक पूरा सिलेबस कवर हो जाए तो दोबारा फिर लिख लीजिए। बल्कि बेहतर तो है मॉक टेस्ट सीरीज कीजिए, वो आपको बेहतर रहेगा। पिछले 7-10 सालों का क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, उन्हीं को सॉल्व कर लीजिए, उन्हीं को लिख लीजिए। जगदेव सिंह, छात्रों को मनोबल मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जावेद सलमानी, अनिल अवाती, हाउ टू प्रिपेयर यूपीएससी विद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्क। इसका क्वेश्चन मुझे नहीं समझ आया, दोबारा फिर से पूछना आप अपना। आदित्य पाठक, सर प्रणाम। सर आप कौन सी कोचिंग किए थे और आपका मीडियम? सर देखो मैं हिंदी मीडियम से था, मेरे समय में हिस्ट्री के लिए मैंने रजनीश राज सर की सियांता कोचिंग अटेंड की थी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूनियाल साहब थे उनकी कोचिंग की थी, और जीएस के लिए मैंने डिस्कवरी कोचिंग की थी। हालांकि बाकी दो कोचिंग जो लास्ट में उनमें कुछ कमियां थी, जो मैं क्या बताऊं, ये कोचिंग मैंने की थी, आप देख सकते हो, उसको रेफर कर सकते हो। लेकिन ये 12-13 साल पहले ये कोचिंग बहुत नंबर वन पे थी उस समय। रजनीश सर तो अभी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनका अभी भी कोई वो नहीं है, रजनीश सर जो पढ़ाते हैं उनका कोई ऑप्शन नहीं है। अगर उनसे कोई हिस्ट्री पढ़ ले तो मुझे लगता है वो जीएस और बाकी चीजों की भी तैयारी उसकी बहुत अच्छी हो जाएगी। बाकी कोचिंग से आगे पवन जी महाराज, सर मेरा लास्ट अटेम्प्ट, इस बार कोई मेंस का कोई सुझाव दीजिए। देखो यार, अगर लास्ट अटेम्प्ट है तो मैं ये कहूंगा, अगर 1-2 साल का तुम्हारे पास टाइम है तो रुक करके दो, इतनी अभी तत्काल देने की जरूरत नहीं है। अगर बिल्कुल फिर भी एज के हिसाब से भी लास्ट अटेम्प्ट है तो फिर आप मॉक टेस्ट सीरीज कर लीजिए कम से कम, और मॉक टेस्ट सीरीज जब आप करेंगे तो आपका सिलेबस और 10-6 साल के क्वेश्चन पेपर अपने आप कवर हो जाएंगे, उसको बढ़िया से करिए। लेकिन अगर 1-2 साल हैं आपके पास, 3 साल हैं, तो बिल्कुल लास्ट अटेम्प्ट बहुत गंभीरता के साथ दीजिए। उसके लिए आप पहले 1-2 साल मॉक टेस्ट सीरीज कर लीजिए। लास्ट अटेम्प्ट बहुत कीमती होता है, एक बार छूट जाता है, निकल जाता है, तब पता चलता है। अच्छा, लास्ट मेंस है अगर, मतलब इसका मतलब आप पीटी क्वालिफाई कर चुके, तब तो आपको देना ही है, तब तो आप फिर मॉक टेस्ट सीरीज कीजिए। पवन आप बढ़िया से गंभीरता से कीजिए, आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। पिंकी, सर मैं अभी निबंध कैसे लिखें? निबंध के ऊपर अलग से एक दिन क्लास लेंगे, तब बात करेंगे हम। पीयू भट्ट, सर बिना कोचिंग के कैसे प्रिपरेशन करें? देखो अगर बिना कोचिंग करना है तो ऑनलाइन बहुत सारी कोचिंग अभी आपको कम पैसे में मिल जाती है, आप उसको देख लीजिए। दूसरी बात यह है कि जो मैंने बताया कि 3-4 स्टेप मैंने बताए हैं, सिलेबस का, स्टडी वो एनसीईआरटी का, 10 साल के क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट सीरीज, उसको अगर आप कर लेंगे तो आपकी तैयारी ठीक से हो जाएगी। वैभव शर्मा, सर मैंने बीए फाइनल एग्जाम दिए, मुझे गाइड करिए। अनु मीना, अनिल जायसवाल, सरोज इंसान, योगेश प्रताप, उर्दू में क्या लिखा, हेलो सर आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, हाउ आर यू। नाजिर खान, पधारो बाड़मेर। ठीक है, रितेश यादव, सोनू यादव, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी यहाँ पर आज उपस्थित हुए। और मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि जितनी बातें आप लोगों को मैंने बताई हैं, आप ये सारी की सारी चीजें आगे लोगों को बताएंगे। और मैंने अभी अपना जो लिंक शेयर किया था, दोबारा मैं अभी शेयर कर दे रहा हूँ, जिसमें टेलीग्राम व्हाट्सएप के लिंक है, जिसके माध्यम से हम रोज आप लोगों को नोट्स अवेलेबल करा देते हैं। ये रामू भारद्वाज के नीचे मैंने और विजयकांत के बीच में मैंने शेयर कर दिया, ऊपर विजयकांत के ऊपर है, विजयकांत चौबे के ऊपर। इस पे आप लोग आइए और अपने जो भी साथ में तैयारी कर रहे हैं उनको भी लेकर के आइए। हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपको तैयारी यूपीएससी टाइप की किसी कॉम्पिटिशन की करनी है तो अपने आस पास भी कॉम्पिटिशन का माहौल बनाइए। आपके साथ जो मिलते बैठते चाय पीते हैं, जिनके साथ खेलते हैं, जिनके साथ आप घूमते हैं, उन जिनके साथ आप बात करते हैं, जिनके साथ आप शादी अटेंड करने जाते हैं, जिनके साथ आप स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, जिनके साथ आप बाइक पे घूमने जाते हैं, उन सबको तैयारी करवाइए। जब आप सबको तैयारी करवाएंगे तो कंपटीशन का माहौल आसपास आपके बन जाएगा और आपको वास्तव में सफलता जल्दी मिलने में आसानी होगी। ठीक है, इसी बात के साथ आज हम लोग विदाई लेते हैं, थैंक यू वेरी मच। कोशिश करेंगे अगली बार फिर फ्राइडे को 5 बजे मिलते हैं। थैंक यू, जय।